नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल के इस बुलेटिन के साथ। और सबसे पहले बात हरियाणा की और मुद्दा एसवाईएल का। जी हां, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के मामले में पंजाब सरकार के जमीन डीनोटिफाई करने के फैसले को हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग को ठुकराते हुए 20 फरवरी तक पंजाब सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए लंबा वक्त मांगा था और मामले को 11 मार्च तक टालने का आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया और कहा कि 20 फरवरी तक आपको अपना जवाब दाखिल करना होगा और 22 फरवरी मामले की अगली सुनवाई। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले पूरे मामले को हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था और उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से डी नोटिफाई करने का जो फैसला लिया गया, उस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की तरफ से चुनौती दी गई और अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर सुनवाई हुई है। और जो समय की मांग की गई थी पंजाब सरकार की तरफ से, उसे ठुकरा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करना होगा पंजाब सरकार को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के गृह सचिव की प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक खत्म हो चुकी है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों से प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई। गृह सचिव रामनिवास ने कहा कि हरियाणा में आंदोलनकारियों की ओर से 19 फरवरी को बलिदान दिवस मनाए जाने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था इंतजामों पर चर्चा की गई है। जिले के अधिकारियों से जाट नेताओं से बातचीत कर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो जाट आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच जो प्रशासन है वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को पिछले साल जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, जो हिंसक रूप धारण कर गया था, वो फरवरी के महीने में ही था और उसमें से 19 तारीख को बलिदान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही जा रही है जाट नेताओं की तरफ से। और इस बीच जिला अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गृह सचिव हैं उनकी ओर से की गई और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। पूरे प्रदेश में किस तरह से जो कानून व्यवस्था को सही रखा जाए और किस तरह से आगे कदम उठाए जाए, इसको लेकर बातचीत। और ललित शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। ललित, मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास रहा आज की इस मीटिंग में? क्योंकि 19 फरवरी को बलिदान दिवस का जिक्र किया जा रहा है, उस के तौर पर मनाने का जिक्र हो रहा है। हाँ गौरव, निश्चित तौर से बात करेंगे। जिस तरह से लगातार पिछले 18 दिनों से जो जाट है वो आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश के 19 जिलों में धरने पर बैठे हुए हैं, तो आज जो एक मीटिंग है वो रखी गई थी और जिसमें जो रामनिवास है, जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो डीसीज हैं 19 जिलों के, साथ में जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की कि किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर ना रह जाए और पर्याप्त तैयारियां रहे जिससे जो हालात है प्रदेश के वो ना खराब हो सके। जिस तरह से आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी समय जो प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन है काफी ज्यादा उग्र हो गया था और लगभग 30 लोगों की जाने गई थी और साथ में जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, इसको देखते हुए इस बार जो सरकार है कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। फिलहाल जो मीटिंग है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चली है। जी ललित, जो संवेदनशील अगर जिले होने का है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोहतक, सोनीपत ये ऐसे जिले थे जहां पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। क्या इन जिलों को लेकर कुछ खास दिशा निर्देश इस मीटिंग में जारी किए गए गृह सचिव की ओर से? गौरव, फिलहाल अभी जो होम सेक्रेटरी उनके साथ बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं निश्चित तौर पे जो संवेदनशील जगह है, जिसमें हम बात करें रोहतक की या फिर सोनीपत की या फिर झज्जर की, क्योंकि इस बार का जो केंद्र है वो रोहतक का जसिया है जहां पर जो जाट है वहां पर बैठे हुए और लगातार पिछले 17 दिनों से जो जाटों की संख्या लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार है उन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया, उसके साथ साथ जो मुनक लेक है वहां पर भी अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको तैनात किया। उसके अलावा अगर हम बात करें
जो हरियाणा में 7000 पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया, उसके साथ साथ जो डीसीज है उनको रसूखा की जो पावर है वो दी गई है, जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति को अगर उनको लगता है कि हंगामा कर सकता है तो उसे नजरबंद कर सकते हैं 90 दिनों के लिए। तो निश्चित तौर से इस बार जो सरकार है कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन साथ में एक और बात यह है कि 5 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन जरूर किया गया है कि जिससे बातचीत के रास्ते से हल निकाला जाए, लेकिन फिलहाल अगर पिछले हम 18 दिनों की बात करें तो जो जाट आंदोलन है वो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से चल रहा है। जी ललिता आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच राजनीति भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे के ऊपर होती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ेंगे उसका जिक्र होगा। जी हाँ, हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर जाटों का धरना जारी है। हालांकि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का कहना है कि सरकार की कोशिश धरने को खत्म करने की जारी है। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार का जाटों के साथ जो समझौता हुआ सरकार उसे लागू करे। मंत्री मंडल की बैठक के बाद जो बैठक हुई है विधायकों के साथ और अन्य सीनियर नेताओं के साथ, उसमें इसके ऊपर सारी चर्चा की गई, जो स्थिति वहाँ पर जो थी उसकी बातचीत यहाँ पे बताई गई। तो स्थिति सामान्य कैसे रहे, कैसे आंदोलन समाप्त हो, उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से प्रयास चला। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बातचीत के दौर चल रहे हैं बहुत जल्दी इस सारे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। यह सरकार समझौता लागू करे, आया सरकार स्पष्टीकरण दे समझौता लागू करने में क्या क्यों नहीं कर रहे हैं, समझौता क्या हुआ वो तो सरकार जाने और ये जाने इनको मालूम होगा, अखबारों में भी हमने पढ़ा था और इनकी मांग भी यही है जो समझौता है उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर हरियाणा में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी करती हुई भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हुड्डा की ओर से किसानों की जमीन अक्वायर करने के बाद आउटसीज को प्लॉट ना देने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले पंचकुला और गुरुग्राम में आउटसीज के लिए छोटे प्लॉट रिजर्व ना करने पर हुड्डा की प्लॉट्स की नीलामी पर रोक लगा दी थी, अब नीलामी पर लगी रोक को हटा दिया गया है। आज दोपहर बाद हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल जवाब में याचिकाकर्ता के लिए प्लॉट को रिजर्व कर दिया गया। सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने नीलामी पर भी रोक जो लगाई गई थी उसको हटा लिया है। और हमारे साथ ललित लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, ये दो चीजें समझनी चाहूंगा कि एक तो जो इससे राहत सीधे तौर पर किसे पहुंचेगी, जो ये रोक लगी हुई थी जिसको हटाया गया है, क्या जो छोटे प्लॉट्स को रिजर्व करने की बात की जाती थी ये पंचकुला और गुरुग्राम के लिए उसको रोका गया था, तो सीधा फायदा इसका किसको होगा? गौरव, सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा जो ऑस्टीज ये होता है कि इसमें जो सरकार है वो किसानों की जमीन को एक्वायर कर देती है, यानी हुड्डा है वो अपनी जमीन को एक्वायर कर देता है विकास कार्यों के लिए। और ये पंचकुला और गुरुग्राम में 1972 में जो 1200 एकड़ जमीन है वो एक्वायर कर दी गई थी, लेकिन 10 सितंबर 16 को जब विकास करने के बाद इन जगहों पर प्लॉट्स बन गए थे तो जो पहला हक होता है ऑस्टीज का, यानी जिन लोगों ने उस समय जमीन ली थी उनको प्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन पंचकुला और गुरुग्राम में जो प्लॉट्स के जो आवंटन होने थे उसमें जो छोटे प्लॉट थे 4 मरले के 6 मरले के या 8 या 10 मरले के प्लॉट थे वहां पर उनके लिए पहले उनको रिजर्व नहीं किया गया था, और बड़ी जो जमीन है 1 कनाल की कोठियां हैं उनको ही उसके लिए रिजर्व किया गया था। तो उसी को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी जिसके ऊपर आज कार्रवाई हुई है, जिसमें जो जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने पहले जो हुड्डा के सीए है उनको लताड़ा था, साथ में जो एडवोकेट जनरल है वो भी सरकार की तरफ से पक्ष रखने गए थे। फिलहाल सुबह के समय की अगर हम बात करें तो उन जो ऑक्शन होनी थी जमीन उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, लेकिन शाम को एक बार फिर से जब बहस हुई तो उस रोक को हटा दिया गया है और इस स्पेशल कैटेगरी में जो पंचकुला और गुरुग्राम है छोटे जो प्लॉट्स है उनको फिर से रिजर्व कर दिया गया है। छोटे प्लॉट कर दी गई, नीलामी होगी तो ये तो सरकार को फायदा होगा, और तर्क क्या दिया गया था, क्योंकि ये भी खबर है कि जो दूसरे इलाके हैं वहां पर इसको रोक नहीं लगाई गई, केवल पंचकुला और गुरुग्राम में ही ये रोक लगाई गई थी, ये ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या तर्क दिया गया था? ललित गौरव, अगर बात करें क्योंकि जो पंचकुला है या फिर गुरुग्राम है काफी ज्यादा बात करें काफी डेवलप्ड जगह है और यहाँ पर जो छोटे प्लॉट्स है
उसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा है, तो उसी को लेकर वो चाह रहे थे कि जो बड़े प्लॉट्स है उस पर पैसा ज्यादा लगाया जा सके और जो लोग है वो उसको खरीद ना सके छोटे प्लॉट्स को, क्योंकि जो यहाँ की जमीन है काफी ज्यादा प्रेशियस है, चंडीगढ़ के काफी नजदीक है, उसकी बात करें जो गुरुग्राम की जमीन है दिल्ली के नजदीक है एनसीआर एरिया है, तो वहां पर छोटे जो प्लॉट थे वहां पर आवंटित नहीं रखे गए थे जिससे जो आम आदमी है उस जगह को खरीद ना सके। लेकिन अगर हम दूसरी जगहों की बात करें वहां पर छोटे प्लॉट से रखे गए थे, क्योंकि एरिया वाइज अगर हम बात करें उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है हरियाणा के परिपेक्ष में देखा जाए, लेकिन अगर हरियाणा के परिपेक्ष में पंचकुला और गुरुग्राम को देखा जाए तो इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है और छोटे प्लॉट्स अगर यहाँ पर और इस चीज के लिए रखे जाएंगे तो निश्चित तौर से वो लोग उसे खरीदारी करेंगे। लेकिन जो सुबह के समय जब कार्रवाई हुई थी तो जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने जो हुड्डा के सीए हैं उनको लताड़ा था, और लेकिन बाद में जब जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने अपना पक्ष रखा है तो बाद में उस स्टे को हटा दिया गया है और उसी कैटेगरी में जो छोटे प्लॉट्स है उनको एक रिजर्व कैटेगरी में जो ओएसटीज होती है उनके अंदर उनको रिजर्व कर दिया गया है। शुक्रिया ललिता आपका पूरा इस ब्यौरा देने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला किस तरह से 1972 से सामने था, अब जाकर जो रोक लगाई गई थी उसको हटाया गया है, हाउसटीज को प्लॉट ना देने का ये पूरा मामला है, और जिस तरह से ये केवल पंचकुला और गुरुग्राम के ऊपर लगाई गई थी अब वहां से भी इस रोक को हटा दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी।